ये है हमारी ओरिजिनल ऑनबोर्डिंग स्क्रीन एंड ये है हमारी रीडिजाइन स्क्रीन। कैसे इम्प्रूव किया इस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को, इसके पीछे का डिजाइन प्रोसेस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, तो आज हम एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनाएंगे। ये स्पेसिफिक यूआई मुझे किसी ने सबमिट नहीं करा है, इट इज बेसिकली फॉर अ फिक्शनल ऐप। आप ये अज्यूम करना कि एक मोबाइल ऐप है जहां पे मैं अपने कोर्सेज बेचना चाह रहा हूँ, राइट? तो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डिसाइड करती है कि आपके यूजर्स टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। तो अभी जिस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन से हम शुरू कर रहे हैं वो ये स्क्रीन है, विच बेसिकली सेज वेलकम टू आर ट्रेनिंग ऐप। एंड दो बटन्स है, या तो साइन इन होता है या क्रिएट न्यू अकाउंट होता है। साइन इन मतलब फॉर रिटर्निंग यूजर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट इम्प्रूविंग द ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, आई वॉन्ट यू गाइज टू कंसिडर द स्प्लैश स्क्रीन। तो जब भी आप कोई ऐप खोलते हो तो एक छोटा सा उस ब्रांड का लोगो दिखता है, बहुत कम देर के लिए आता है, बट इट इज बेसिकली देयर फॉर मल्टीपल रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है लोडिंग टाइम। जब आप ऐप पे क्लिक करते हो तो ऐप के अंदर का जो कॉन्टेंट होता है वो इंस्टेंटली लोड नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ऐप को थोड़ा सा टाइम दो, जब तक आप लोगों को देखते हो, लोगो लोड हो सकता है, कुछ एनिमेशन आ सकता है, वो 2-3 सेकेंड पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपकी स्प्लैश स्क्रीन खत्म होती है आपका एक्चुअल कंटेंट लोड हो जाता है। ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो री इन्फोर्स योर ब्रांड्स लोगो। तो जैसे यहाँ पे मैंने अंश मेहरा का लोगो डाला है तो एकदम ऐप खोलते ही आपको एक विजुअल रिकॉल आ जाता है। बट स्प्लैश स्क्रीन बनाते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि ऑलवेज यूज SVGs एंड नॉट PNGs और MOVs और JPEGs, क्योंकि PNG और इन सब चीज़ों से क्या होता है, साइज़ बहुत बढ़ जाता है, लोडिंग टाइम्स और बढ़ जाते हैं, हो सकता है आपकी स्क्रीन यहीं पे अटक जाए। बट जब आप SVGs यूज़ करते हो तो वो सब कुछ कोड में होता है, एंड कोड को ट्रांसलेट करना, कोड को इंटरप्रेट करना ऐप के लिए ज़्यादा ईजी होता है। एंड अगर आपने एनिमेशन डालनी है, मेक श्योर यू हैव लॉटी एनिमेशंस। अगर आपकी ऐप बहुत टेक्स्ट बेस्ड है, ज़्यादा कुछ अंदर कॉन्टेंट है नहीं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा एक नॉर्मल सी स्टैटिक SVG डाल दो। बट कभी कभी कुछ ऐप्स होती है जिसमें बहुत वीडियोज़ होती है या OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, उस केस में क्या होता है, दे पुट अ लॉटी एनिमेशन जिससे 3-4 सेकंड तक एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, राइट? तो एनिमेशन से क्या होता है, आपको टाइम बहुत ईजिली पास हो जाता है, पीछे जितना भी उनका मेटा डेटा होता है, जितनी भी वीडियोज होती है वो लोड हो जाती है। तो आप खुद नोटिस करना, जिन ऐप्स में बहुत टेक्स्ट होगा उनकी स्प्लैश में हमेशा एक नॉर्मल सा लोगो होगा, ऑन दी अदर हैंड जिस ऐप में बहुत सारा वीडियोज होगा पीछे, वहां पे दे ऑलवेज हैव अ क्यूट एनिमेशन इन द स्प्लैश स्क्रीन। नाउ लेट्स डिफाइन द स्ट्रक्चर। मैंने लेफ्ट साइड पे अपना ओरिजिनल UI रखा है, राइट साइड पे एक स्टेप वन मतलब कि version 1 इम्प्रूवमेंट फॉर version 1 रखा हुआ है। तो ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है टू कन्वे द पर्पस ऑफ दिस ऐप, कि ये ऐप करती क्या है। सिर्फ ये बोलना कि वेलकम टू आर ऐप इज यूजलेस, राइट? सो आपको डायरेक्टली बताना है कि हाउ विल दिस ऐप हेल्प यू। So I say become a self-taught UX designer. Our app has all the resources that you need. Left side पे क्या हो रहा है कि दोनों CTS primary लग रहे हैं क्योंकि दोनों में fill है। On the right side मैंने create account को ज़्यादा high priority पे डाला हुआ है और sign in को कम पे डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग मेरी ऐप को यूज़ करेंगे, एक बारी जब वो अकाउंट बना लेंगे, in most cases when they open this app they will be signed in. राइट, ये जो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है ये सिर्फ उसी को दिखेगी जिसने पहली बार ऐप को डाला है, वरना एक ऐसे पर्सन को जिसने ऐप को डाला, लॉगिन किया, ऐप को यूज करा और फिर साइन आउट कर लिया, राइट? सो साइन इन को इतना एम्फोसिस देना जरूरी नहीं है। देन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आप एक ऐप को एक्चुअली में लॉन्च कर रहे हो देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ यू नो सिट विद योर डॉक्यूमेंटेशन टीम, सिट विद योर लीगल टीम एंड हैव योर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी सॉर्टेड, एंड यू हैव टू put it out there in the first screen itself when you're asking them to create the account. Then of course on the onboarding screen itself you can always show your branding. तो अभी जैसे मैंने right side पे अपना थोड़ा सा thumbnails डाले, ये मेरे YouTube channel की thumbnails है, मैंने अपना face डाला है, तो थोड़ा सा एक reinforcement हो जाता है। And of course you need to add some incentive to create the account, जो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। सो लेट्स सी अगर मैंने आगे उसको ठीक कराओ। आपकी onboarding screen का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी स्क्रीन पे आपके यूजर्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपना अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आपकी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन इंप्रेसिव नहीं हुई या अगर उसने राइट मैसेज कन्वे नहीं किया तो 50% यूजर्स अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। मैं पूरी वीडियो में बहुत सटल डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मेक श्योर यू वॉच द इंटायर वीडियो। सो इन माई version 2 आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ मोर कॉन्टेक्स्ट, लिटिल ऑफ मोर इंसेंटिव, एंड मैंने बेटर पिक्चर्स एंड बेटर ग्राफिक्स यूज करे हैं टू कन्वे दिस कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो ये जो थंबनेल्स है, अगर आप नोटिस करो, इमेजिन करो कि कोई UX डिजाइनर बनना चाहता है, वो UX डिजाइनर है नहीं, बनना चाहता है, दैट पर्सन कम्स टू माई ऐप, फॉर दैट पर्सन दिस थंबनेल इज यूजलेस, right? It looks pretty or whatever, like it looks clean, but it is not valuable.
I would rather replace it with an open source image of, you know, a girl who's on her laptop or a guy who's just designing something, because that is more generic and you can quickly understand ki acha chalo theek hai, it is something related to, you know, me working on the laptop. Then I have added a sticker for having the first month free. Now ye completely design decision nahi hai, but if you are coming up with your app for the first time and if it's a paid app, I would always recommend you to give some monetary incentive. 1 month free nahi dena to kam se kam 7 days de do, 5 days de do. But it is very important to do that because they don't trust you yet. राइट एंड मैं अपनी कॉपी नहीं वेस्ट करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अपनी कॉपी में ही लिख दूँ 1 month फ्री और ये वो. सो आई वुड यूज अ ग्राफिक्स और आई कैन यूज दिस स्पेस. राइट, तो मैंने नीचे का स्पेस नहीं एग्जॉस्ट करा, मैंने ऊपर ऊपर ही 1 month इज फ्री डाल दिया. एंड रिप्लेस फीड फॉरवर्ड CTA कॉपी. तो यूजली क्या होता है, जब आप बटन के एक्शन को कॉपी में एग्जैक्टली लिख देते हो, जैसे ये साइन इन का बटन है तो मैंने साइन इन ही लिखा, ये क्रिएट अकाउंट का बटन है मैंने क्रिएट अकाउंट ही लिखा, दिस इज कॉल्ड फीड फॉरवर्डिंग. बट वॉट इफ आई रिप्लेस क्रिएट अकाउंट विद समथिंग लाइक आई एम इंटरेस्टेड or learn now or begin learning or start now, right? So it gives you a subtle push. Wo push bahut interesting hota hai. It just adds like a better, you know, it just gives more incentive to the user. Fir ek bahut important test hai jo mujhe cover karna tha, which is the blur frame test. And ye maine apne mentor Sapta se seekha hai, Saptarshi Prakash. He's the director of design at Swiggy. And he spoke about this, right? He had this YouTube video, maine wahin se unse seekha, that you should actually blur out your UI and see ki what things stand out. Because jab bhi koi user aapka app use karta hai, that user is probably going to be distracted or thinking about something else, right? So in dono screens mein notice ki jab bhi maine blur kara, mera CTA is very prominent, right? Matlab ye CTA sabse zyada important hai. On this screen image bhi bahut zyada attention le rahi hai, right? To abhi to maine ek generic image dali hai, but agar main koi valuable image dalu तो राइट, तो हो सकता है वो इमेज की वैल्यू से ही मेरा इंसेंटिव बढ़ जाए, वो इमेज ही ऐसी बनाओ कि मेरे यूजर का कन्वर्जन रेट और बढ़ जाए. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर CTA हैज मैक्सिमम विजिबिलिटी. तो यहाँ पे भी CTA में विजिबिलिटी है, यहाँ पर भी है, तो हमने ब्लर टेस्ट को अच्छे से पास कर लिया है. नाउ देयर इज वन रिसोर्स दैट आई रेगुलरली यूज फॉर ऑल माई UI प्रोजेक्ट्स एंड दैट इज Mobin. Mobin अलाउज यू टू एक्सेस अ लाइब्रेरी ऑफ hundreds ऑफ screenshots फ्रॉम apps फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. As soon as you create an account on Mobin, you have access to dozens and hundreds of screenshots collected from all these different apps. In fact, they also have a dictionary jahan pe aap ek specific section ko click kar sakte ho, ek specific term ko click kar sakte ho, and you will see how multiple apps have executed that function or that aspect of an app. I recommend Mobin to every single fresher simply because I have gained a lot of value from it. So you can create your Mobin account right now by clicking on the link in description. Then in version 3, I try to leverage my brand, right? तो हो सकता है कि मेरे पास एक already अच्छी audience हो, who already knows my face, or maybe knows my brand logo, whatever it may be, right? So always make sure that अगर आप अपनी image डाल रहे हो, it has to be a front captured picture, it has to be a smiling picture, ऐसे नहीं कि side से ले लिया जहाँ पे आप दिख नहीं रहे हो, या you know lighting अच्छी नहीं है, या अपने iPhone से, अपने normal phone से photo खींच लिया. Try to have like a proper photograph. Otherwise, you can always use open source illustrations, vectors. You know, अब तो कितने सारे 3D illustrations freely available है, so you can always use those as well. And आप notice करना कि मैंने I am interested को अब get started कर दिया है, right? And ये जो our app has all the resources, तो मैंने उसको भी हटा दिया because this itself is good enough. Become a self-taught UX designer, get started. That is all you need, right? 1 month is free. You see my face, you have terms of service and privacy policy. So cut down on text because it just becomes easier to the eyes. Now, एक और छोटा सा subtle nudge ये था कि आप चाहो तो इस image को भी carousel बना सकते हो कि जब तक मेरा user वो 5-10 second के लिए मेरा app खोल के बैठेगा, उसमें भी I keep pitching. राइट, तो मे बी ये एक इमेज इनफ नहीं है, तो यहाँ पे आई कैन पुट द कैराउजल जहाँ पे ये इमेजेस खुद चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली. यूजर चाहे तो खुद भी अपने थंब से ट्रिगर कर सकता है, बट दे आर ऑन अ लूप. तो फर्स्ट इमेज में शायद मैंने अपना ब्रांड दिखाया, सेकंड में मैंने कुछ ऐप के अंदर के फीचर्स दिखाए, बिकॉज अभी तक उसने अकाउंट बनाया नहीं है, वो अभी भी ऐप बंद कर सकता है, वो अभी भी ऐप को डिलीट कर सकता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट टेलिंग दैट यूजर कि आपके लिए कितना जरूरी है इस ऐप पे अकाउंट बनाना. Right, so sell your features to convince them more and make sure ki onboarding screen banate banate CTA ko thumb se zyada dur mat le jana. To kabhi kabhi kya hota hai, log yaha beech mein CTA dal dete hain, right? Make sure it is here, kyunki jab maine haath mein phone pakda hoga, jo mera thumb hai, it would only reach this bottom part of the screen,
राइट, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई एम टेलिंग यू, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है बट दे कंपाउंड इन द लॉन्ग रन. अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो एक हाथ से फोन पकड़े और दूसरे हाथ से प्रेस करे, यू जस्ट एडेड अनदर लेवल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो यू हैव टू रिमूव दैट. You can actually see कि before and after में कितना ज़्यादा difference है. And of course, we could have done a lot more, but I feel कि इस video में आपने कुछ तो सीखा ही होगा. Now there are a lot of issues with this new design as well. ऐसे बहुत से design decisions हैं जिनको मैंने cover भी नहीं किया है. So I would recommend you to take a screenshot of the before and after app and आप खुद भी थोड़ा time spend करो just to understand कि मैंने क्या-क्या changes करे as we went from one version to another. अगर आप यहाँ पहली बार ही आए हो, मैंने इसी YouTube चैनल पे एक फ्री UX एंड UI डिज़ाइन पे कोर्स बनाया हुआ है. 15 एपिसोड्स है, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, जो आपको बिल्कुल बेसिक्स फाउंडेशनल लेवल से सिखाएंगे. आपको जॉब्स, पोर्टफोलियोस, केस स्टडीज, हर चीज़ के बारे में रिसोर्सेज देंगे. इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. यू कैन स्टार्ट फॉर फ्री. आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. If you learn something valuable, make sure you like this video, make sure you subscribe and hit the bell icon, because abhi bhi mere bahut se aise subscribers hain jinhone bell icon pe click nahi kiya hai. In fact, इस वीडियो से पहले मैंने दो और रीडिजाइन की वीडियोस डाली हुई है, सो मेक श्योर आप उनको भी देखना, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लेसन मिलेंगे. विद दैट बीइंग सेड, आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी. कीप डिजाइनिंग ऑसम स्टफ. दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा साइनिंग आउट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ.